अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूएफ किचन। आज मैं अपनी रेसिपी में अचारी चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो अचारी चिकन कढ़ाई में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अचारी चिकन कढ़ाई के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 kg चिकन, 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 3 टमाटर, इनको मैंने पेस्ट कर लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दही 4 खाने के चम्मच, मसालों में इस्तेमाल करूंगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लौंजी, सौंफ और मेथी दाने का पाउडर, गरम मसाला, अचारी मसाला, धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। तो आइए अब हम इसको पकाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, एक कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल डालूंगी, कुकिंग ऑयल 1 कप। इसके बाद चिकन को इसमें डालूंगी और इसे फ्राई करेंगे हम। इसको हम फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, चिकन जो है वो ब्राउन हो चुका है। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। अब मैं इसको अलहदा से एक प्लेट में निकाल दूंगी। अलहदा से एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। इसको मैंने प्लेट में ही निकाल दिया है। इसके बाद नाज़रीन हम प्याज लेंगे, प्याज को इसमें लाइट ब्राउन करेंगे। इनको मैं इनको लाइट ब्राउन कर लूंगी। प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, ये भी इसमें डाल दूंगी। और इसको थोड़ी देर तक भून लूंगी। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करूंगी। नाज़रीन, 3 मिनट तक मैंने इसको टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बना लिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ का पेस्ट है, ये भी 1/2 टीस्पून। अब मैं नाज़रीन इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। इसको भूनेंगे अच्छी तरह। अचारी चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसके बाद इसमें दही डाल दूंगी। साथ ही इसके हरी मिर्च डाल देंगे। अब
सारा धनिया भी डाल देंगे हम इसमें। और मैं अब इसको अच्छी तरह से इसमें भून लूंगी। दोबारा इसको भून लेंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो नाज़रीन तमाम मसालों में मैंने ये चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें अचारी गोश्त डालूंगी। अचारी गोश्त का मसाला है ये इसमें डाल दूंगी। और वाइट विनेगर 2 खाने के चम्मच वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आगे हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी। नाज़रीन 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको दम दिया था। अब ये तैयार है। फ्लेम को हम आहिस्ता कर देंगे और इस पे मैं डालूंगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। के बाद हरा धनिया भी डाल दूंगी। बहुत ही खूबसूरत कलर नाज़रीन आया है इसको। अब इसके बाद गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसको 1 मिनट के लिए बंद चूल्हे पर रखूंगी। चूल्हा बंद करके 1 मिनट के लिए नाज़रीन चूल्हा बंद करके 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। आज की रेसिपी अचारी चिकन कड़ेल तैयार है। गरम गरम तंदूरी रोटी या नान के साथ एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।